हे hey, हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले तो थोड़ी देरी से मेरी ये वीडियो आ रही है क्योंकि अभी YouTube का एक अपडेट आया है कोरोना वायरस की वजह से। तो मैंने सोचा ये अपडेट आप सबको पता चलना चाहिए और स्पेशली जो क्रिएटर हैं जो YouTube पे वीडियो बना के डालते हैं उनको तो बिल्कुल पता चलना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस का जो कहर है पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कई जगह नुकसान हो रहा है, मार्केट बंद हो जा रहा है, डॉक्टर भी हर जगह में थोड़ा सा परेशानी का माहौल है, हर कोई इससे थोड़ा टेंशन में है। तो इस बीच YouTube का भी एक अपडेट आया है। अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ बिना टाइम लिए हुए। अपडेट ये है, YouTube ने ये कहा है कि जब तक कोरोना वायरस का ये संकट टल नहीं जाता पूरी तरह से, उसके कुछ एम्प्लॉई अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे या अब वो कम एम्प्लॉई के साथ काम करेंगे। YouTube यानी YouTube में कम एम्प्लॉई आएंगे काम करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है जो YouTube के क्रिएटर हैं वो अब सुन लें ध्यान से इस बात को। उनको दिक्कत ये हो सकती है कि कभी कभी क्या होता था कि अगर एज ए YouTube क्रिएटर, यानी कि मैं बात करूँ अपनी या आप अगर YouTube क्रिएटर हैं तो आपकी बात करता हूँ, कभी कभी दिक्कत होता था तो हम YouTube से हेल्पलाइन के जरिए हम चैट कर लेते थे या अपील करते थे, या हमारा कोई वीडियो डिलीट हो जाता था तो हम YouTube से अपील करते थे वीडियो वापस आ जाता था, या हमारा कोई वीडियो जो मोनेटाइज है वो मोनेटाइजेशन उसका हट जाता था तो हम अपील करते थे तो दोबारा मोनेटाइजेशन उसका ऑन हो जाता था। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जो होती थी तो हम YouTube को मेल करके या चैट करके हम अपनी दिक्कत सॉल्व करा लेते थे। अभी क्या होगा कि जब तक ये कोरोना वायरस का संकट हट नहीं जाता ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होगा कि जो मशीनें जो होती हैं वो कुछ कीवर्ड के हिसाब से काम करती हैं, यानी कि अगर आपकी कोई वीडियो है, यानी कि अगर आपका कोई चैनल है तो अब वो इंसान रिव्यू नहीं करेंगे, वो मशीन रिव्यू करेगा। तो जब मशीन रिव्यू करेगा तो जाहिर सी बात है उसको जितना बताया गया वो उसी पे काम करेगा। डजेंट मैटर वो कम है ज़्यादा है सही है गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जो बताया गया वो उसी पे काम करेगा। नॉर्मली अब तक क्या होता था, अब तक ये होता था कि उसको मशीन के बजाय इंसान रिव्यू करते थे तो थोड़ा सा रियायत दे दिया जाता था, लेकिन अब इंसान के बजाय मशीन उसे रिव्यू करेंगे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें काम करेगा। तो उस केस में हो सकता है YouTube की तरफ से कुछ गलत काम भी हो जाए, कुछ गलत इफेक्ट भी आपके चैनल पे पड़ जाए। हालांकि इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये YouTube का कोरोना वायरस की वजह से चल रहा है तब तक ही समस्या, उसके बाद में आप इस समस्या का समाधान YouTube से पा सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा आपको कि आप अपने चैनल पर पूरी नज़र रखें कि देखिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो आप YouTube को मेल कर सकते हैं, जिसका समाधान YouTube ने यह भी बोला है कि हफ्ते दो हफ्ते या महीने दो महीने भी लग सकते हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस का कहर है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये YouTube का बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने सोचा आप सबको पता चलना चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि ये जानकारी यूजफुल है तो आप अपने बाकी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।